हेलो दोस्तों, रोस्टेड करी में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं हांडी कटल या फिर बिहारी स्टाइल में कटल की सब्जी। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि ये रेसिपी सिर्फ वेजिटेरियन वालों के लिए नहीं बल्कि नॉन वेजिटेरियन वालों को भी बहुत ही पसंद आएगी। कोयले की आंच पे धीरे धीरे मिट्टी की हांडी में बनाएंगे हम ये हांडी कटल बिहारी स्टाइल में। तो आज हमने अपनी बालकोनी में ही घर से बाहर ये सेटअप लगाया है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले लेंगे हम सरसों का तेल, जिसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो सरसों का तेल जैसे ही अच्छे से जल जाए, इसमें हम कटल को फ्राई करेंगे। मैंने कटल को पहले अच्छे से धो लिया और फिर इसके पीसेस को फ्राई कर रहे हैं। तो मैं शैलो फ्राई कर रहा हूँ, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो जब तक कटल हो रहा है फ्राई, वीडियो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि हम अपने 50,000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे कर सकें। थोड़े से रह गए हैं यार, जल्दी करिए। कटल को काटना और उसको क्लीन करना, साफ करना जितना मुश्किल है, उतना ही फ्राई करने के बाद जो इसमें टेस्ट आ जाता है वो सारी कमी पूरी कर देता है। तो हमारा कटल दोनों तरफ से फ्राई हो गया है और अब इसको निकाल लेते हैं। और कटल को निकालने के बाद हम इसको इसमें सारे मसाले मिक्स करेंगे। तो लीजिए, कटल पूरा फ्राई हो गया है और अब इसी थाली में हम इसमें सारे जो बाकी मसाले हैं वो मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो मैंने 2 से 3 बड़े प्याज लिए हैं और उसको स्लाइसेस कर लिया। हम इसमें टमाटर भी डालेंगे लेकिन थोड़ा बाद में। तो अब बाकी मसाले मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे नमक स्वादानुसार और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, और 1 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसके बाद 2 चम्मच कटा हुआ और या फिर घिसा हुआ अदरक और लहसुन, और 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, और बाकी जो तेल बचा हुआ है हमारा वो इसमें मिक्स करेंगे। सो तेल मिक्स करने के बाद अब इसको मिलाएंगे ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने वो इसमें स्किप किया है। तो अब कटल को हांडी में डालेंगे। उससे पहले गरम तेल डाल रहे हैं हम, सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लिया और हांडी में डाल के हांडी को थोड़ा ऑयली कर रहे हैं। तो अगर आप मिट्टी की हांडी पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो इसको 2-3 घंटे तक पानी में भिगो के ज़रूर रखिएगा। तो अब कटल और सारे मसाले हांडी में हम मिक्स कर रहे हैं। तो ये हांडी जब कोयले की आंच पे धीमे धीमे पकेगी तो इसमें बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा जो हमारे टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। तो अब इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर। मैंने 1 टमाटर लिया बड़े साइज़ का और उसके स्लाइस कर लिए। तो टमाटर डालने के बाद बाकी बचा हुआ कटल और मसाले वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और ताकि अच्छे से सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। तो सारे मसाले कटल सब हमने इसमें हांडी में डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे खड़े मसाले। तो मैंने साबुत लाल मिर्ची और काली मिर्ची और साबुत जीरा, ये 3-4 मसाले लिए हैं और इसको डाल दिया, और ऊपर से डाला हरा धनिया, और एक बार कड़छी की मदद से हांडी में सारे मसाले और कटल को मिक्स कर लेते हैं।
अब हांडी को करते हैं बंद और ऊपर से इसको सील पैक कर देंगे आटे के साथ। हांडी को कर देंगे बंद ताकि सारे मसालों की जो टेस्ट है, स्टीम है, वो इसी में रहे। तो हांडी को रखते हैं अब चूल्हे पे। तो ये धीमी आंच पे हम कोयले की लगभग 35 से 40 मिनट तक पकाएंगे। और स्टीम देखिए बाहर आनी शुरू हो गई है। और अब उतार लेते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसको खोलेंगे। तो लीजिए देखते हैं क्या बना है। धुआं बाहर आना शुरू हो गया। और लीजिए उठाते हैं ढक्कन। खुशबू और कैसे बताऊं आपको, बहुत लाजवाब है। तो चेक करते हैं कैसा बना है हमारा हांडी कटल। देखिए मसाले बिल्कुल मिक्स हो गए और अच्छे से पक गया। और इसको करते हैं मिट्टी की कटोरी में सर्व। मिट्टी के बर्तन की महक और कोयले की जो स्मोकी फ्लेवर है वो एक बार आपको लग गया ना, फिर तो आप गैस का खाना बनाना छोड़ दोगे। तो डालते हैं ऊपर से धनिया और पराठे के ऊपर ही डाल के खाते हैं, देसी स्टाइल, देसी स्वाद। तो आप भी बनाइए और मज़े से खाइए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।